अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हुकूमत पाकिस्तान का जो बिला सूद कर्ज़ा हंसना का प्रोग्राम है उसके मुताबिक मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इसमें हमारे दोस्त हैं और जितने भी इसमें सोशल वर्क होता है वो हमारे पास उसी टाइम पहुंच जाता है, ठीक है। जो भी उधर से तैनाती होती है, जो भी सेटिंग होती है, वो इसमें हमारे पास उसी टाइम उसका मैसेज आ जाता है और हम ये चीज़ें फॉरवर्ड भी करते हैं और लोगों को बता भी देते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी जो कुछ चीज़ें वो शो नहीं करते और ना ही आगे वो सेंड करते हैं, तो मैं इसका प्रॉपरली आपको बताऊंगा इसमें जो जो लिखा हुआ है। हाँ, जिसको लिंक चाहिए हो, जैसे कि इसको किसी को चाहिए कि यार मुझे ये प्लेटफॉर्म दोनों सेंड कर दें व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रबता कर सकते हैं। नंबर मेरा 03000411426 वाला नंबर वो यूज़ कर सकते हैं आप। उस पर जस्ट मैसेज करना है, अदर्स ना के कॉल, ठीक है। आपको मैं सेंड कर दूंगा इस पे ये जो दोनों लिंक हैं जो लिखे हुए हैं। लेकिन क्या है कि आप इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट देखें, मैं इसको समझा दूंगा कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं पता होंगी, तो इसमें टोटली आपको समझा दूंगा और इसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद बात सुनते नहीं हैं, वो वीडियो स्किप करते हैं, उसके बाद जाके वो व्हाट्सएप पर आके वो पूछते रहते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। इसमें कम्प्लीटली मैं बताऊंगा, इसमें आपको समझ भी आएगी, ठीक है जी। और अभी इसको मैंने ओपन किया, इसके पूरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो आया है, एहसास हुकूमत पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है और आराम से इसको रीड करें, ठीक है। इस पर टोटली जो ये जेन्युइनली जो हमारे पास आती है, जेन्युइन तौर पे हमारे पास है इसका जो रिकॉर्ड होता है वो आता है, ठीक है। वो मैं आगे ज़रूर शेयर करता हूँ, इजीली इसको पढ़ लें और इसके बाद इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और जो भाई नए हैं वो इसको सब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ में डालता रहता हूँ जो कि आपके कारआमद होंगी इंशाल्लाह। और इसके बाद ये जो अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने अप्लाई करना, तो ज़्यादातर मर्द हजरात अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप औरतों को ज़्यादातर अप्लाई करवाएं, क्योंकि औरतों का ज़्यादातर जल्दी से जल्दी इनका जो है ना कर्ज़ा इनको मिल जाता है, ठीक है। बिला सूद है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ना वो कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। और ये अभी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, इसकी जो बिला सूद कर्ज़ा ब्र रोज़गार और ये ऊपर आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो, भी बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी कुछ बातें वो रह जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगी। उस पर जो शॉर्टकट सी बातें वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसकी उम्र की हद जो है ना 18 से 60 साल तक है, 60 साल तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और कौमी शनाख्ती कार्ड का हामल, मसलन कि जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है वो लाजमी इस पर अप्लाई करे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट देगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें जो कुछ शरायतें हैं, लेकिन इतना वो इस इजीली इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है www.ppaf.org.pk, ठीक है जी। npgistml, ठीक है जी। इजीली आपने इसको रीड कर लेना है और सारी इस पे जो वेबसाइट है इसको आप चेक कर सकते हैं जाके। इसमें लिखा हुआ माशरे के गरीब तबकात, हुनरमंद नौजवान, ख्वातीन, मजदूर और ख्वाजा सिरा भी ले सकते हैं जी। बड़ी खुशी की बात है कि जी हर एक को जो मजदूर हजरात है, पहले इनको कर्ज़ा नहीं दिया जाता था, कुछ जो ख्वाजा सिरा थे और कुछ जो मजदूर हजरात थे उनको भी नहीं मिलता था। उसके बाद जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ज़कात और बैतुल माल जैसे इदारों से मुंतकिद होने वाले अफराद को बिला सूद कर्ज़ा जात की फ्राहमी, ताकि वो मुस्ताजी से निकल आए, ठीक है जी। ये कहने का मकसद ये था कि यार ये देखो ये उन, लेकिन ज़्यादातर आप देखें ना इसमें हुनरमंद नौजवान ख़वातीन लिखा हुआ, ठीक है। ये गौर कीजिएगा थोड़ी सी बात, आपने क्या करते हैं कि आप देखते हैं और साथ ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। ये गलती कभी नहीं करनी, आपने पहले इसको पढ़ना है आराम से, टोटल पैराग्राफ जो ऊपर लिखा हुआ है वो टोटल आराम से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये नौजवान देखें, ये हुनरमंद नौजवान ख़वातीन, ख़वातीन को ज़्यादातर ये कर्ज़ा मिलता है, ये मेरी बात जहन में रखें, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं, ये कर्ज़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ यार, आप जो फीमेल्स को मिलता है आप मेल को भी मैं उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता जाऊँगा, ये आप वीडियो पूरी आराम से देखते रहें और जिन अजला में हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, इसको आराम से रीड कर लें, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहें।
तो इंशाल्लाह मैं आई होप आपको ये जो क्लिप मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। जिसको ये क्लिप चाहिए समझना आए तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने की हैं वो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होंगी। अगर दूसरे नंबर पे ये जिस जिस जगह पे इन्होंने तैनाती की है, जहाँ जहाँ मिलेगा ये वो जगह लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये अजला है, डिस्ट्रिक्ट है, पीओ नेम है, उसके बाद सिटी तहसील, ठीक है जी। अभी हमारे सियालकोट साइड है, इधर जितना भी है इस पर टोटल लिखा होगा। ये हमारे पास तकरीबन ये 82 मेरे पास सफ़ा आते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी हैं जहाँ जहाँ ये मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे यहाँ तक यकीन है कि इंशाल्लाह ये एहसास प्रोग्राम जितना उन्होंने स्टार्ट किए हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर दें, क्योंकि पहले भी ये काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो जो लोग जिनको पता होता है, वो जो पहले जानते हैं वो निकलवा लेते हैं, और जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, थोड़े से नहीं पढ़े होते हैं, नॉर्मली होते हैं बेचारे, वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। मैं यार ये वीडियो बनाने का बताने का मकसद मेरा यही होता है कि मैं एक अच्छा जो किसी के लिए क्लिप है वो अच्छा लेके जाऊँ, और उसको पता चले कि यार ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको क्लिप चाहिए मेरे से रब्ता करिएगा। तो यहाँ तक ही हुई वीडियो, तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।